नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन हो गया है। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। मुशर्रफ को दिल और उम्र संबंधी दूसरी कई स्वास्थ्य समस्याएं थी। परवेज मुशर्रफ ने साल 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिना बताए भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध की शुरुआत की थी। उन्होंने सेनाध्यक्ष रहते तख्ता पलटकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी घोषित किया था। सेना और राजनीति में होने के साथ ही परवेज मुशर्रफ क्रिकेट के जबरदस्त फैन थे। काफी मौकों पर वो मैच देखने स्टेडियम पहुंचते थे। साल 2004 में जब भारत ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जब उन्हें मैच देखने का मौका मिला तो वो स्टेडियम भी गए थे। परवेज मुशर्रफ भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की हेयर स्टाइल के कायल थे। साल 2006 में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। उस वक्त धोनी के बड़े बाल हुआ करते थे। धोनी ने उस सीरीज में बल्ले से भी कमाल किया था। अवार्ड सेरेमनी के दौरान परवेज मुशर्रफ को बोलने का मौका मिला। उन्होंने भारतीय टीम को जीत की बधाई देने के साथ ही कहा कि मैंने एक प्ले कार्ड देखा जिस पर लिखा था कि धोनी बाल कटवा लो, अगर आप मेरी राय लें तो ये अच्छा लगता है, बाल मत कटवाएं। आपको बता दें कि साल 2005-06 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरे पर वनडे सीरीज के दौरान तीसरा मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में धोनी ने 46 बॉल में 13 चौकों की मदद से नाबाद 72 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान परवेज मुशर्रफ ने धोनी की तारीफ करते हुए कहा था कि मैंने मैदान में कई प्ले कार्ड लगे हुए देखे जिसमें धोनी को हेयर कट की सलाह दी जा रही थी, लेकिन मेरी राय यह है कि आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, इसमें आप काफी अच्छे दिखते हैं। आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ का भारत से रिश्ता रहा है। परवेज मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 को दरियागंज नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद 1947 में उनके परिवार ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। परवेज मुशर्रफ कुछ साल तुर्की भी रहे थे। स्कूली शिक्षा कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल में हुई और कॉलेज की पढ़ाई लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में हुई थी। बता दें कि परवेज मुशर्रफ वो शख्स हैं जिन्हें की पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने ऐसी सजा सुनाई थी, लेकिन आज उन्होंने दुबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहे न्यूज नेशन के साथ।